हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज असी इस वीडियो दे विच सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की गल करते हैं। सोप्स की होंगे ने, डिटर्जेंट्स की होंगे ने, स्पोनीफिकेशन की होंगी है, स्ट्रक्चर की होंगी है सोप मॉलिक्यूल की, तो क्लीनजिंग एक्शन ऑफ सोप की होंगे। इन टॉपिक्स के छोटे छोटे टॉपिक्स ने, इन पर एक एक करके असी डिस्कस करते हैं। सब तो पहला असी गल करते हैं सोप्स बारे। वट आर सोप्स? सोप्स की होंगी ने ये। सोप्स आर सोडियम और पोटाशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड हैव जर्नल फॉर्मूला आर सी यू एनीवेयर आर सी 15H31H70H35। इसका मतलब कि जो सोप्स ने ये, जिमें आप कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला पढ़ते हैं आर सी ओ एच, इतने एच न रिप्लेस करके कि एन ए लग जाता है या फिर के मतलब सोडियम लग जाता है या पोटाशियम लग जाता है। तो उस तो बाद सोप के जिन्नी नंबर ऑफ कार्बन होने वो हाइड्रोजन भी वादे, जिन्ने कार्बन वादे जाने उन्नी हाइड्रोजन वादे, तो उन्नी की वधिया क्वालिटी की सोप होएगी। जिमें आप देखते हैं मार्केट के अपन 5 रुपए तो लैके 50 रुपए तक सोप्स मिलते हैं, वो की है क्वालिटी का ही फर्क है। क्वालिटी का फर्क कितों पैदा है? नंबर ऑफ कार्बन तो। जिन्ने नंबर ऑफ कार्बन की चेंज ज़्यादा होएगी उन्नी की है सोप की क्वालिटी वधिया होगी। ठीक है, उस तो बाद डिटर्जेंट्स की होंगे ने। डिटर्जेंट्स आर यूजली अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सोपलेस सोप। इन्हें डिटर्जेंट्स के लिए अमोनिया या सिर्फ सल्फोनेट ने, ये की है आर सी ओ एस ओ थ्री एन ए, ये फॉर्मूला बनता है डिटर्जेंट्स का। ठीक है, उस तो बाद इन्होंने सोपलेस सोप कहते हैं, भी ये सोप सोपलैस मतलब सोप नहीं होंगे, ये सोपलैस होंगे नी। ठीक है, होंगे ये सोप ही ने, ये कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल ने, बट सोप्स की होंगे ने बायोडिग्रेडेबल। ओके, उस तो बाद असं गल करते हैं मैन्यूफैक्चर ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की, भी सोप्स एंड डिटर्जेंट्स पाते किमें हैं। सब तो पहले अस गल करते हैं सोप्स की। सोप आर मेड फ्रॉम एनिमल फैट्स और वेजिटेबल ऑयल्स बाय हीटिंग इट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस प्रोसेस ऑफ प्रेपरेशन ऑफ सोप इज कॉल्ड स्पोनिफिकेशन। स्पोनिफिकेशन कहने जी जी प्रोसेस के राही असं सोप प्रिपेयर करते हैं, उन्होंने कहते हैं स्पोनिफिकेशन। उस तो बाद की असी ईस्टर लै लिया, ईस्टर के बीच असी एल्कली ईस्टर लै लिया, असी फैट और ऑयल लैना है, कोई भी असी ईस्टर लै लिया। ईस्टर किमें प्रिपेयर करते हैं असी कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल, तो असी ईस्टर बना लिया। उस तो बाद ये असी ऐड किया एल्कली, एल्कली लै लो असी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों मिक्स करके असी की किया हीट किया, तो साढ़े को बनती है सोप प्लस ग्लिसरॉल। सोप सोप की होगी सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के बीच एल्कोहल, एल्कोहल। ठीक है, उस तो बाद ये आ देखो प्रोसैस मैं तुम दिखाई हाँ, जिमें ये असी ट्राई ईस्टर लिया, ये सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया, तो साढ़े को ग्लिसरॉल प्लस सोप बन गई सी 70H31 तो सी ओ एन ए। ठीक है, दिख रही है दोनों? ठीक है, ये रिएक्शन है इस तरीके की है, मैन्यूफैक्चर हुई है सोप्स की। उस तो बाद असी गल करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल की। अ सोप मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, अ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट और अ शॉर्ट आयनिक पार्ट कंटेनिंग सी ओ एन ई ग्रुप। जी ठीक है, आ देखो थोड़ी स्ट्रक्चर दिख रही है, ये जी लॉन्ग चेन है कार्बन की हाइड्रोजन की, ये की है नॉन पोलार है, नॉन पोलार है, तो जोड़ा यदा आयनिक पार्ट जोड़ा नॉन आयनिक है, बट जोड़ा शॉर्ट है लिखा है सी ओ एन ए, ये की है शॉर्ट शॉर्ट आयनिक पार्ट है, तो की है पोलार है। पल जड़े पोलार होंगे वह की होगे वाटर के सल्यूबल होंगे, वाटर लविंग होंगे, हाइड्रोफिलिक होंगे वो पार्ट। ठीक है, बट जी कार्बन के हाइड्रोजन ने नॉन पोलार ने, तो यही की होगी इनसल्यूबल इन वाटर एंड ये कि हाइड्रोफोबिक पार्ट होएगा इस तरीके। ठीक है, इनू असी ये स्ट्रक्चर है सोप की। तो उस तो बाद ये असी होर आ थोड़े मैंने पॉइंट्स लिखे, इस स्ट्रक्चर तो होर भी क्लीयर हो रहा है, जोड़ा नॉन पोलार एंड है वाटर नू करूगा रिपेल, तो हाइड्रोफोबिक होगा, तो उस तो बाद जोड़ा पोलार एंड है वो वाटर अट्रैक्शन तो हाइड्रोफिलिक होगा। ठीक है जी, क्लीनजिंग एक्शन ऑफ सोप इस डायग्राम के देखो, देखो सेंटर के विच की है डर्ट हैगी या कह लो ऑयल ड्रॉपलेट है, तो जी ये टेल लगी हुई है, ये टेल्स कहदियां नेगियां हाइड्रोजन ते कार्बन, हाइड्रोकार्बन दियां, ते जेड़े ओदे
ਐਂਡਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇਗੇ, ਹੈੱਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਨੇਗੇ, CONA, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ CONA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਈਡਰੋਫਿਲਿਕ, ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ, ਇਹ ਕੀ, ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਕ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਡਰਟ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਓਇਲ ਡਰੋਪਲੇਟ ਪਈ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੋਥ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਬ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਓਇਲ ਡਰੋਪਲੇਟ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਡਰਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਕੀ, ਕਲੋਥ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਪ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੋਪਿਕ। ਜਿਸ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਐਂਡ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ।